ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर लक्ष्मी चौक में। इसका तीसरा रोज़ है और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD के साथ आपकी बात कराई, उन्होंने गुफ्तगू की और यहाँ पे सेंट्री वर्कर भी मौजूद है जो सफाई सुथराई बेस जो है, जो जो लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हम इनसे बात कराएंगे ईद कैसी सेलिब्रेट की सब लोगों ने, इन्होंने कैसी की। अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को ईद मुबारक जी। अच्छा, कैसी ईद गुजरी जी? A1 फर्स्ट क्लास। अच्छा, लेकिन एक मसला है जी जी, 2 महीने हो गए पे नहीं मिल रही। तनख्वाह नहीं मिली, वो MD साहब कहते ने तनख्वाह मिल गई। ये रोला बना है, अब नंबर का जब तक नहीं ना आएगा जी जी, तब तक तनख्वाह नहीं मिले। अच्छा, अभी तक मैसेज नहीं आया, अब गरीब करे तो करे क्या। किन शिकायत लाई है? किसे लगाए हम, किसे लगाए जी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। इशू है क्या? काम ठीक है, साडा हो रहा है बस। ठीक है, आज पक्के मुलाजम है। ठीक है, सहूलत कोई नहीं, तनखावा नहीं बदियां। ठीक है, सहूलत नहीं है, मैं तफसील दसो जरा। मैं कोई तनखा बारे बस। अच्छा, तनखा नहीं मिली इते? तनखा सानू ते मिल गईयां। ठीक है, एना दा मसला हैगा। की मसला की है दसो जरा? तनखावा उन्ना दियां नहीं मिलियां 2 महीने हो। की कहंदे की ने? पता नहीं है, जांदे ने ते कहंदे ने नहीं हले। हां जी, तुसी दसो जी, काम ठीक जा रहा है? हाँ जी, काम बहुत अच्छा मसला जा रहा है। परेशानी कोई नहीं? कोई नहीं। अच्छा, तनख्वाह क्यों नहीं दी? की कहंदे की ने वजह की? मसला ये उन कहंदे जिन्ना जी मोबाइल ते मैसेज नहीं ना आएगा उन्ना जी तनख्वाह नहीं मिलेगी। भावे ईद आई है, जो मर्जी आई है, जो मर्जी। किवें गुजारा हुंदा दसो जरा? बस उपरला कर रहे, शुक्र है उहदी ज़ात दा, A1 चल रहा काम। पर मसला ये गरीब करेगा की? हाँ, जब उन 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी वो गरीब करेगा। चलो, तो MD साहब ना गल हुई तो अड़ी की कहंदे ने? मैं तो दफ्तर गया सो कहंदे ही ई तो बाद आ जाएगी, ई तो बाद मसला हल होएगा। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी, जिगर लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी। की काम करते रहे इतने 3 दिन? सफाई की थी सरकार, केरी केरे इलाके साफ किए ने, आज तीसरा दिन है। असि किला गुजर सिंह जी सफाई करने हैं। अच्छा, की कहोगे ईद ते लोगों नु? लोगों ने बहुत तामन किया सर नाल। अच्छा, बहुत अच्छे, असि सफाई की थी, खुशी तो दें पैसे ले लेंगे ने ईद के मौके से, कोई देंदा कोई नहीं देंदा, जबरदस्ती नहीं होती। मतलब तुसी सफाई करन गए हो किधरे? की कहंदे हो के सानू ईद दा मौका पैसे दो? असि नहीं कहंदे। अच्छा, आप खुश होके देंदे ने? दे देंदे ने। हां जी, सफाई अच्छी करी दी है। अच्छा, खुश होके सानू नाम के नाम 150 कोई चाय पिया देंदा, कोई खाना खवा देंदा, इस तरह करके। इहदा मतलब है कि लोग एवी गल बनी है कि जनाब वो आते हैं वो कहते हैं कूड़ा करकट उठा के ले जाएंगे लेकिन हमें पैसे भी दो। वो कूड़ा करकट जेड़ा है गलत तरीके नाल खिलाड़ देने, जिस तरह कंपनी दा आर्डर है उस तरह कूड़ा नहीं। उस तरीका कार की है दस दियो आवाम नूं, पता कि आवाम नूं पता चल जाए। चौथी मंजिल तो कूड़ा सुट देने, थले विच शीशे दे ग्लास हुंदे ने, कप हुंदे ने, वो आके थले डिगदे ने, कईआं दे सिर च भी वजदे ने। ठीक है, असीं बतेरा मिंतरला करदे आ लेकिन लोग नहीं मनदे। तरीका कार की है, किवें रखना चाहिए कूड़ा? ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੋਕ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੋ ਗੋਸ਼ਟ-ਗੂਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਲਬਾ ਲਹਿਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ ਲਹਿਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਕੋ। ਤੇ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ? A1 ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜੀ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਨੋ ਨੋ, ਸਭ A1 ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਗੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਦੱਸੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ 18,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਈ ਸੀ 12,000-13,000 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ 18,000 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਫਿਰ 12,000 ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆ 12,500 ਮਿਲਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਫਾਰ ਕੋਈ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ 12-13,000 ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲੋ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਥਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਜਿਨਕੋ ਤਨਖਾਹੇ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਬਤਾਇਆ ਇਹ ਅਲਾਸ਼ੇ ਉਠਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗਾੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਂਟਡ ਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇਸ ਗਾੜੀ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਚਾਲ ਚਾਲ ਆਪਕਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾੜੀ ਹਾਇਰ ਕੀ ਆਪਸੇ ਕਿਰਾਏ ਪੇ ਹਾਇਰ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਥਾ ਕੈਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਆ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਮੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਘਰ ਪੇ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੇ ਭਰੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗਾੜੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਤੋ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗਾੜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਾਸ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਹੋਗਾ ਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਸਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਆਪਨੇ ਗਾੜੀ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੜਨਾ ਹੈ ਅਬ ਕੈਸੇ ਆਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਹੈ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੇ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਯਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਈਦ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਪ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਬੜੇ ਆਪਕੇ ਦੋਸਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੱਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਯਾ ਮਿਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਕੋ ਦੋ ਮੰਗੀ ਐਸਾ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੇ ਮਨਾ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਬ ਹੋ ਜਾਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਐਂਡ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਹਮੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੈਸੇ 28 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 27 ਹੋ ਗਈ ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਹਮਨਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਮਨੇ ਕਰ ਮਕਾਨ ਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਹਤੇ ਆਪ ਕੌਨ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਸੇ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਤਾ ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਤੇ ਆਪ ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਏਗਾ ਉਹ ਜਬ ਆਤੇ ਹਮੇ ਆਗੇ ਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਤੋ ਆਗੇ ਸੇ ਹਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਮਨੇ ਹਮ ਕੀ ਕਰੇ ਤੋ ਕੀ ਕਹਤੇ ਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪ ਕੋ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ अब ईद का मौका है ईद पे हर किसी का दिल करता है नए कपड़े पहने जो है वो उसका किसी भी मज़हब से बेशक ताल्लुक है और खाना शाना अच्छा बनना चाहिए घर में तो घर वाले फिर क्या कहते हैं कैसे गुजारा होता है भाजी ऐसे ही होता है जब इधर से ड्यूटी से फारिग होते हैं प्राइवेट वगैरह काम कर लेते हैं सफाई कर लेते हैं ऐसे घर का खर्चा चल जाता है हमें सैलरी टाइम से मिले हम भी अपने बच्चों में टाइम से जाए अच्छा जब आप सफाई वगैरह करते हैं लोगों का कूड़ा करकट उठाते हैं जी तो लोग तावन करते हैं आपसे नहीं जी क्योंकि मसला इशू क्या आता मुझे बताएं जरा इशू यही आता है अपना हम काम वगैरह करते झाड़ू मार के कचरा वगैरह उठाते हैं हमने कभी मुंह से नहीं मांगा कभी अगर कोई किसी का दिल किया 10-20 देने को या 40-50 देने को दे दिए तो रख लिए हमने कभी मांगे नहीं है लेकिन लोग खुशी से दे देते हैं हाँ वो ऐसे वही कह रहे हो ना प्राइवेट काम कर लिया जब किसी ने दे दिए ऐसे हमारे घर का चट चल जाता है चले जी आप तो बात करते हैं ईद मुबारक जी आपको अच्छा आप मुझे बताएं आप जब लोग तावन करते हैं कूड़ा करकट उठाते हैं क्या तावन करते हैं किस किस्म खुशी से 50-100 रुपया ठीक है लेकिन लोगों को शिकायत है कोई लोग कूड़ा करकट बाहर आम जगह फेंक खुश हैं चले जी बड़ी मेहरबानी जी ये लोग थे और ये बता रहे थे कि इनकी सैलरी का इशू है ये जो गाड़ी है आप देखें ये रेंट की गाड़ी है जिन्होंने हायर किया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने और ये अलाशे और कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ी है जो रेंट पे ली जाती है एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हमने देखी है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस जो है वो नहीं है उसने ये बोला है कि लाइसेंस जो है
वो घर पे है। अब हमें नहीं पता कि घर पे है या नहीं है, बाकी जो है दीगर अफराद कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं। ईद का मौका है, खुशी का मौका है कि लोग किस तरीके से जो है वो मामला कर रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि लाहौर शहर की सफाई में पेश पेश क्लीन लाहौर, ये भी एक गाड़ी मौजूद है। अब ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं ये इस काम के लिए काम कर रही हैं। आगे चलते हैं हम लोगों से बात। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं वो ये स्प्रे कर रही हैं। ये स्प्रे जो है अरके गुलाब है, ताकि जो है सफाई सफाई हो, ताफुन ना फैले, गंदगी ना फैले, बदबू जो है वो कम हो। आज इसका तीसरा रोज़ है और हम जो है बच्चों से भी आपकी बात करवाई है, मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई है। ये हमारे वार्डन हजरात हैं जो ईद पे जो है ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम सर, खैर मुबारक। क्या कैसी ईद गुजरी आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी गुजर गई। तीनों दिन ड्यूटी पे माशाल्लाह। नहीं, एक दिन रेस्ट थी। अच्छा, पहला दिन रेस्ट था, कुर्बानी की, कुर्बानी के लिए रेस्ट की। अच्छा, आप ईद के जब ड्यूटी करते हैं तो आपका दिल तो करता होगा कि तीनों दिन ही घर वालों के साथ गुजारे, बच्चे मिस करते हैं आपको? ये जाहरी बात है जनाब, लेकिन ड्यूटी भी एक ड्यूटी देनी है हमारा। तो ईद पे लोग ताउन करते हैं आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कोई मैसेज देना चाहते हो ईद के मौके पे लोगों को या किसी को? कोरोना के वाले से। जी जी, कोई भी मैसेज है, आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, आपके साथ लोग ताउन करना चाहिए, कोरोना SOPs पे फॉलो होना चाहिए। लोग माशाल्लाह जी बड़ा ताउन करते हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह, हमारे साथ भी ताउन करें। अगर हम किसी वजह से उनको रोकते हैं तो हमारी भी मजबूरी होती है, हमारे साथ ताउन किया करें। जो उनका रूड बिहेवियर है ना वो ज़रा वो नहीं होना चाहिए, लोगों को ताउन करना चाहिए। चलें जी, इनके साथ बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ईद मुबारक। ईद मुबारक कह रहे हैं सर आपको। खैर मुबारक सर आपको। तीनों दिन ड्यूटी पे जी? तीनों माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, क्या नाम है जी? फरूक कंबो साहब। तीनों दिन ईद की ड्यूटी है। फरूक कंबो साहब लाहौर से ताल्लुक है बाहर से? नहीं, मैं और डिस्ट्रिक्ट को ननकाना चाहता हूं। ननकाना साहब से? अच्छा, तो शादी हुई है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी बच्चे याद करते हैं ईद पे? मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं। अच्छा, फैमिली के साथ ईद यहीं पे गुजारते हैं। तो जब आप लोग ड्यूटी पे होते हैं तो आपका दिल तो करता है सेवैयां खाने का ईद के मौके पे? सब कुछ मिलता है सर, मिलता है। साथ लेके आते हैं दोस्तों के लिए? आवाम भी प्यार करती है और सारे दोस्त मिलके कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ आप ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं। आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो आपके साथ जो है वो आवाम का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक सॉफ्ट इमेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेहनत मशक्कत करके ईद पर ड्यूटी दे रहे हैं? मैं उन्हें क्या कहूँ, ये कलेक्टिवली एक प्रॉब्लम है कि हमें एजुकेट नहीं किया गया, रोड सेंस नहीं है हमें। सेकंडली शिद्दत पसंद लोग हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। मतलब आप अगर किसी को रोकते हैं यार ये आपने वायलेशन किया, लोग मानने को तैयार नहीं होते, यही प्रॉब्लम है। ईद के वाले से मैसेज? ईद विश करेंगे और कुछ नहीं सर। ननकाना साहब में आपके जो रिलेटिव है उन्हें तो विश कर देना। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना, ये हमारे वार्डन भाई हैं जो ईद पर मौके पे काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि लोग जो है वो अमन चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ईद मुबारक आपको। सर से सिगरेट एक मिनट। सर इसको साइड पे कर देते, कोई बात नहीं। ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक। आपको रोक लिया इन्होंने? नहीं, मुझे तो काफ़ी दिन से रोका हुआ है सर, मिसगाइड किया हुआ। पहली बात ये है, मैं 10 दिन से ही चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरा चलान हुआ हुआ है। अच्छा, मुझे कहते हैं फ्लैट ही होटल चले। लेकिन ईद के दिन तो है, ईद आप सेलिब्रेट करें, आप चलान के पीछे पड़ गए। और सर कैसे सेलिब्रेट करूँ, कुछ होगा तो सेलिब्रेट करेंगे ना। चले इनसे बात है। रिजवान साहब, ईद मुबारक आपको। सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप लाहौर से बाहर से? ओकाड़ा से। तीनों दिन ड्यूटी की? ड्यूटी की माशाल्लाह। दिल नहीं करता घर जाने को? ईद करता है। अच्छा, कैसे फिर आप ईद गुजारते हैं यहाँ? सेवैयां कैसे खाते हैं, गोश्त कैसे खाते हैं, क्या तरीका कार होता है यहाँ? यहाँ पे होटल में खाना खाना है और वहाँ पे फैमिली के पीछे तो खाना आपके सामने जो सिचुएशन है होटलिंग है बस। तो जो लाहौर के आपके कोलीग हैं वो आपके लिए सेवैयां गोश्त लेके आते हैं? अच्छा, वो बिल्कुल करते हैं। कैसे इंजॉय करते हैं आप, क्या इंटरटेनमेंट का ईद पे आपका क्या तरीका कार है? ड्यूटी तो आपने दे दी 8-10-12 घंटे दे दी, उसके बाद ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं सर? कुछ भी नहीं, घर वालों को फोन कर दिया? सर फोन नहीं करना, और क्या करना है बस। तो घर में कौन कौन है आपके? सर बच्चे, फैमिली है, भाई है, छोटा भाभी है, वालदा वालद। चले अल्लाह पाक जो है उन्हें जरूरत नसीब करे। मैसेज क्या देना चाहेंगे घर वालों को अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो? नहीं, वहाँ पे तो लाहौर रंग नहीं चल रहा। अच्छा, रहने दे आप। चले उनको पैगाम पहुँचा देंगे सोशल मीडिया के थ्रू, आप मैसेज दे दें। क्या पैगाम तो मिस करते हैं उन्हें आप ईद सेलिब्रेट? बिल्कुल करते हैं मिस। बच्चे है, मिसिज है, भाभी है, भाई है, यही है कि ईद अब सेलिब्रेट करें, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें ईद को। मैं तो नहीं जा सका,
अच्छा, आप अफसरदा भरे हो गए हैं वैसे? नहीं, ऐसी है ना, जारी बात है। एक होता है कि ईद होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ऐसी है ना। आवाम के लिए क्या मैसेज देते हैं कि किन मुश्किलात का आपको सामना आता है जब ईद पे स्पेशली ड्यूटी करते हैं, या कोई खास दिन होता है जब 14 अगस्त वाले दिन ड्यूटी करते हैं, ईद पे होते हैं, या कोई ऐसा दिन जब आवाम सेलिब्रेट करती है आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देते हैं, किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी अपना ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा मसला बनता है जब लोग अपना जब टाइम होता है 13 अगस्त जब लास्ट में आता है, 14 अगस्त स्टार्ट होता है, लोग सेलिब्रेट करने का तरीकाकार लोगों को ठीक नहीं है, सही नहीं है, अवेयरनेस नहीं देगी प्रॉपर। अवेयरनेस है ऐसा, लोगों को पता है, यही लोग जब जाएंगे ना फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो ये मुकम्मल इस पे अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी आप और मैं जैसे ही मोटरवे पे चढ़ते हैं तो हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, फौरी सीट बेल्ट, गाड़ी खड़ी करके यहाँ नहीं बांधते, यहाँ पे जैसे ही अपना मोटरवे नीचे अपना इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे फौरी सीट बेल्ट खोल लेंगे। सर इसकी क्या वजह है? सख्ती होनी चाहिए थोड़ी सर, अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए? सर अवेयरनेस लोगों को देखें, हमारे सी डी ओ साहब ने बताया इसके लिए टीमें भी तश्कील दी हुई है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस लेवल पे, यहाँ पे एजुकेट करते स्टूडेंट्स को, दूसरे जो ड्राइवर अपना उनको भी एजुकेट बहुत ज़्यादा किया जाए। कैमरे में देख के आवाम को एक मैसेज दे दें कि आपके साथ तावन करें कैसे करें, सिर्फ एक मैसेज दे दें आवाम के लिए। नहीं रहने दें। अच्छा, नहीं मानती आवाम? नहीं छोड़े आप। चले चले जी, आपको जी ईद मुबारक हमारी तरफ से, लाहौर आंग की टीम की जानिब से ईद मुबारक, और अल्लाह पाक जो है हम दुआ करेंगे कि अगली ईद आप घर वालों के साथ गुजारें। नाज़रीन, आपने देखा जो मुख्तलिफ शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे हमारे वार्डन हज़रात है, पुलिस हज़रात है, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मलाजमीन हैं वो ईद के मौके पर भी जो है दिन रात मशक्क़त कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, लेकिन शिकायत तो हर डिपार्टमेंट में होती है। जैसे हमारे वार्डन भाई कहते हैं कि उनका भी दिल करता है घर वालों के साथ ईद करे, उसके अलावा जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मलाजमीन हैं वो कहते हैं हमें सैलरी का इशू है, लेकिन MD साहब से जब हमने बात की उन्होंने ये बोला कि उनका मसला हल हो रहा है। अब अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआ है। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको बच्चे दिखाए कि कोरोना SOPs की वजह से पार्क्स झूले बंद हैं शहर के, ईद के दूसरे तरीके से बच्चे बाहर निकलते हैं इंजॉय करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में जो है उन्हें हर किस्म का जो है झूला मिल गया, घुड़सवारी मिल गई, ट्रेन की सवारी मिल गई, बच्चे भी खुश हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। मैं भी आपके अपने तमाम सुनने वालों को जो है वो ईद मुबारक कहता हूँ, क्योंकि ईद का आज आखिरी दिन है, इसके बाद दोबारा ईद किसी को नसीब होगी, जिसको नहीं होगी हमें नहीं पता, अल्लाह पाक जो है आसानियाँ पता करे। और हमारी दुआ है कि तमाम लोगों को अल्लाह मियाँ कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रखे। एक मरतबा फिर मेरी तरफ़ से आपको और आपके घर वालों को ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।